हम सभी जानते हैं कि एक साल 365 दिन में पूरा होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगला आने वाला साल 365 दिन की ना होकर 366 दिन के होने वाले हैं, तो फिर आप में से शायद ही कोई मेरे बातों पर विश्वास करेगा। अभी तक तो आप में से कई ने मुझे पागल भी कह दिया होगा, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच है कि हर 4 साल के अंतर एक साल ऐसा आता है 365 दिन में ना होकर 366 दिन में पूरा होता है एक साल। तो आप पूछोगे ये कैसे मुमकिन है, तो फिर चलिए देर न करते हुए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि 366 दिन में एक साल कैसे मुमकिन है। देखिए, हमारी पृथ्वी खुद की एक चक्कर काटने में लगभग 24 घंटे समय लेती है, और हमारे पृथ्वी सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगभग 6 घंटे लगते हैं। ये जो 6 घंटे रहते हैं वो हर 4 साल में 24 घंटे एक दिन बन जाता है। ये जो एक दिन होता है ये हम हर 4 साल के बाद फरवरी में ऐड कर देते हैं, और इसे ही हम लीप ईयर कहते हैं। ऐसे हर 4 साल के बाद 366 दिन का एक साल बन जाता है। सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन पर स्थित पॉक्सिमा सेंटोरी, ये तारा हमारे सबसे नज़दीकी तारों में से एक है, और इसकी दूरी हमारे सन से 4.2 लाइट ईयर्स की है। हाँ गाइस, 4.2 लाइट ईयर्स, जिसका मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 4 साल 2.5 महीने लगेगा। यहाँ तक पहुँचना हम इंसानों के लिए अभी तक लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि लाइट की स्पीड 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर तक जाती है, और हम इंसान अभी तक वही स्पेसक्राफ्ट बना पाए जो 1 सेकंड में 200 किलोमीटर तक गई थी। हो सकता है फ्यूचर में हम इंसान ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना ले जो लाइट की स्पीड के बराबर चलती हो, तब भी हमें वहाँ तक पहुँचने में 4 साल 2.5 महीने की बराबर टाइम लगेगा। और ये तारा हमारे सन के मुकाबले बहुत ही छोटा तारा है, और जहाँ पर हमारे सन की सरफेस टेम्परेचर 5700 केल्विन है, वहीं पर इस तरह की सरफेस टेम्परेचर केवल मात्र 3000 केल्विन है। पॉक्सिमा सेंटोरी इस तारे को परिक्रमा कर रहा है एक एक्सोप्लैनेट जिसका नाम पॉक्सिमा बी है। हमारे वैज्ञानिक आशा कर रहा है कि पॉक्सिमा बी प्लैनेट पर पानी तरल रूप में होगा। अगर यहाँ पर तरल रूप में पानी मिला तो शायद किसी न किसी रूप में हमें जीवन भी मिल जाए। पॉक्सिमा सेंटोरी इस तारे की सबसे नज़दीक की तारे की नाम अल्फा सेंटोरी है, जो कि एक डबल स्टार सिस्टम है जिसका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।